नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल गौरव चौधरी के ऊपर बहुत ही फ्रेश कमाल एपिसोड में। और यहाँ पर दोस्तों फिलहाल एपिसोड बिल्कुल एकदम फ्रेश और कमाल होने वाला है। मैं अपनी एक फ्रेश ट्रिप शुरू कर चुका हूँ, काफी कमाल का वीडियो होने वाला है। और यहाँ पर दोस्तों मैं जा रहा हूँ अभी वहीं से दिल्ली, तो आपको बताऊंगा कि पूरा प्रोसेस क्या रहता है, क्या है पूरा सीन, कैसे क्या अप्रूवल्स हैं और क्या है बेसिकली कंप्लीट सीक्वेंस, मेरा जो ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस है वो कैसा रहता है। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, चलिए शुरू करते हैं। घर से निकलते निकलते हल्का सा लेट हो गया, ऑल्दो वैसे भी टाइम बहुत है मेरे पास में, लेकिन अभी एयरपोर्ट पहुंचने मेरे ख्याल से और लगेंगे मुझे यहाँ से करीब मेरे ख्याल से 20 मिनट के आसपास। काफी कमाल का जो है ये ट्रिप होने वाला है, काफी कुछ चीजें होने वाली है। मतलब मैं इतनी बार एयरपोर्ट आया हूँ ना, और अभी जो सीन है वो ऐसा कि एयरपोर्ट बिल्कुल खाली है ऑलमोस्ट। मतलब मैं हूँ, मेरे अलावा एक दो और पैसेंजर्स हैं। ऑल्दो यहाँ पे ये जो टर्मिनल है ये डिफरेंट है फर्स्ट और बिजनेस क्लास के लिए, स्पेशली एमिरेट्स की फ्लाइट्स के लिए, तो इतना रश वैसे कभी होता नहीं है। लेकिन मैं आपसे बात करता हूँ पीक फ्लाइट्स की तो होता है, बट अभी के लिए बिल्कुल मतलब एकदम समझ लो। मैं लास्ट टाइम जब आया था तो मैं इकलौता पैसेंजर था, और अभी मैं आगे लाउंज में जाता हूँ, वहाँ पे आपको बताता हूँ कि जो पूरा प्रोसेस है वो क्या रहता है। बाय द वे, जो पूरी ब्लॉगिंग है ये मैं आईफोन से कर रहा हूँ, मैंने DSLR जो है वो निकालना मिस कर दिया, और फिर मुझे लगा चलो कोई बात नहीं फ़ोन है, तो पूरी ब्लॉगिंग आज जो भी आप देखेंगे ना वो सब कुछ फ़ोन से हुई है। इमिग्रेशन सिक्योरिटी सब प्रोसेस कंप्लीट, बिल्कुल एकदम सीमलेस था। और बेसिकली इमिग्रेशन के लिए तो मैंने स्मार्ट टनल को यूज़ किया, तो कुछ इंट्रैक्शन नहीं हुआ मुझे, बस एक टनल में से निकलना पड़ा और इमिग्रेशन डन हो गया। आगे सिक्योरिटी भी हो गई पूरी, ऑल्दो मेरे बैग में इलेक्ट्रॉनिक्स हमेशा बहुत ज़्यादा होता है तो वो एक अलग इशू रहता है कि पूरा निकालना पड़ता है, डालना पड़ता है। बट अभी मैं जा रहा हूँ लाउंज की तरफ। दुबई एयरपोर्ट में टर्मिनल 3 में जो एमिरेट्स का फर्स्ट क्लास लाउंज है वो बहुत बड़ा है, लेकिन अभी जो है वो क्योंकि कैपेसिटी भी कम है और डेफिनेटली बिकॉज बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, इसीलिए जो फर्स्ट क्लास लाउंज है वो बिजनेस साइड में ही एक अलग से सेक्शन जो है उसको बना रखा है, तो मैं सामने वहीं जा रहा हूँ। मैं लास्ट टाइम जब आया था तब मैं यहीं पर गया था। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर प्रोसेस क्या है पूरा, अगर आप इंडिया ट्रैवल करते हैं। और इंडिया के लिए भी अलग अलग एयरपोर्ट्स के लिए अलग अलग रूल्स हैं, बिकॉज अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग रूल्स हैं। और अगर मैं आपसे बात करता हूँ फॉर एग्जांपल दिल्ली की, बिकॉज मैं लास्ट टाइम भी दिल्ली आया था, तो रूल्स काफ़ी सिंपल है, और सिंपल का मतलब काफ़ी ईजी है एग्जीक्यूट करना भी। जहाँ पर ना मतलब एक एयर सुविधा पोर्टल है, तो जब आप फ्लाइट बुक कर लेते हैं उसके बाद में आपको एयर सुविधा पोर्टल पर जाके अपना एक सेल्फ रिपोर्टिंग फॉर्म फिल करना पड़ता है। उसमें ये होता है कि भाई आप जो है वो आपका नाम, आपका सीट नंबर, आपका PNR नंबर, आपका एड्रेस और बाकी पर्सनल डिटेल्स, आप कहाँ पे स्टे करेंगे, फाइनल डेस्टिनेशन आपका क्या होगा, वो सब जब आप फिल कर देते हैं तो उसके बाद में आपको उसका कंफर्मेशन मिलता है, तो वो आपको चाहिए होता है। उसके बाद में क्वारंटीन के भी अलग अलग रूल्स हैं अलग अलग एयरपोर्ट्स पर जब आप लैंड करते हैं, तो अलग अलग स्टेट के हिसाब से। तो अब चूँकि मैं दिल्ली जा रहा हूँ तो उसके लिए अलग रूल्स हैं, और फिर क्वारंटीन से अगर आपको एग्जेम्प्ट करना है अपने आपको, बिकॉज अगर आपने कोविड टेस्ट किया हुआ है और आपके पास में अगर एक नेगेटिव रिपोर्ट है या उसके अंदर और भी कुछ कुछ कैटेगरीज हैं, तो उसके लिए आपको एक एग्जेम्पशन फॉर्म भी भरना पड़ता है। जब आप वो भर लेंगे तो आपको उसका बाद में सामने से अप्रूवल या फिर रिजेक्शन जो भी होता है वो मिलता है। तो मेरा जो है वो अप्रूव हो चुका है, बिकॉज मेरे पास में COVID-19 की नेगेटिव रिपोर्ट है, तो मेरा कोविड टेस्ट भी मैंने करवा लिया था, जो कि आपको लास्ट 72 आवर्स में करवाना पड़ता है। तो वो आपने टेस्ट करवा लिया, अपने एयर सुविधा पे जाके सेल्फ रिपोर्टिंग जो है वो अपना फॉर्म फिल कर दिया, आपने अपना जो है वो एग्जेम्पशन वाला फॉर्म फिल कर दिया, ये सब डिटेल्स हो गई, तो उसके बाद में फिर ट्रैवलिंग इट्स मोर लाइक अ नॉर्मल प्रोसेस। मैं फिलहाल लाउंज में हूँ, अपना स्पार्कलिंग वाटर एंजॉय कर रहा हूँ, और जब दिल्ली लैंड करता हूँ तो आपको वहाँ की प्रोसेस में पूरा का पूरा कम्प्लीटली बताता हूँ। A few inches later. पहली बार ऐसा हुआ है कि मतलब मैं लाउंज में आके चला गया और मुश्किल से मुझे 2 या 3 पैसेंजर्स दिखे हैं। बहुत बहुत कम रश है यार इस टाइम पे यहाँ पे।
बहुत 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 दिनों बाद ऐसे फ्लाइट का व्लॉग बना रहा हूँ, बहुत ज्यादा टाइम बाद। वेलकम बैक, वी वर एक्सपेक्टिंग यू टुडे। एवरीथिंग ओके सो फार? एज ऑलवेज ब्यूटीफुल, थैंक यू। यहाँ पे आके ना एकदम फेमिलियर वाली फीलिंग आती है, बिकॉज मतलब पता नहीं यार कितना ज़्यादा ट्रैवल हो जाता है। अभी तो खैर बहुत कम हो गया है, लेकिन ये हमेशा एकदम कंफर्टेबल राइड है। यार वैसे मैं जब भी किसी फ्लाइट में होता हूँ तो मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि आई मीन किसी भी एयरपोर्ट के जो ऑपरेशंस होते हैं कितना कॉम्प्लिकेटेड काम होता है ना, मतलब कितनी सारी टीम्स को एक साथ अलाइन करना पड़ता है। मतलब मैं वैसे भी एविएशन के बारे में काफ़ी इंटरेस्टेड रहता हूँ, और ये सब चीज़ें देख के ना लगता है कि भाई डेफिनेटली मतलब जादू सा ही हो रहा होता है सभी एयरपोर्ट्स पे। स्टार्टिंग में रन करना ही है, चलो 1 2 3 भागो, दौड़ो, भाग और भाग, भाग 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 और भाग भाग। और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में बहुत ऊंचे, अरे दादा रे, नहीं 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 नहीं। लाइफ में जब आप दिन भर काम करते हो, जब आप सुबह से लेकर शाम तक लगातार पूरा अपना काम खत्म करते हो, और जब हम बात करते हैं डिनर की ना, तो जो सुकून मिलता है ना कि हाँ मतलब दिन भर पूरी मेहनत हो गई, अब आप कुछ खा पा रहे हो, वो जो सुकून है ना, खाने में चाहे कुछ भी हो, चाहे मतलब कैसा भी खाना हो, लेकिन जब आप दिन अपना खत्म करके खाना खाते हो ना, जब आपने दिन भर मतलब बहुत काम किया होता है, तो वो जो सुकून है ना, आई एम श्योर कि आप एग्री करोगे आपके मतलब एकदम कमाल होता है। तो मैं अभी अपना डिनर जो खा रहा हूँ हल्का फुल्का एंजॉय वर्क कर रहा हूँ, बिकॉज आज का दिन बहुत टफ था, मज़ा बहुत आया वैसे। तो दोस्तों डिनर हो चुका है, अभी टाइम है सोने का। हालांकि एक घंटा ही मेरे को मौका मिल पाएगा, उसके बाद में लैंडिंग सीक्वेंस स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन एक घंटे के लिए सही सोना ज़रूरी है। तो अभी थोड़ी देर के लिए तो आराम करता हूँ भाई, और बाद में देखते हैं आगे क्या दिल्ली एयरपोर्ट पे सीक्वेंस बनता है। ऑल दो मेरे पास में सभी अप्रूवल्स हैं, परमिशन वगैरह सब कुछ है, लेट्स सी नेक्स्ट क्या होता है। फिलहाल तो टाइम है गुड नाइट का, मैं तेरा सर फोड़ दूंगा। अरे लगेगा मेरे को, ये मार मारो का खोपड़ी तोड़ साले का, मार दे हाथ तेरे। लास्ट टाइम दोस्तों यहाँ पे हाथ पे स्टैंप था, लेकिन इस बार जो है वो बोर्डिंग कार्ड पे स्टैंप लगाया है आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट का। अभी नीचे इमिग्रेशन क्लियर करता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ कि अगर कुछ डिफरेंट है तो क्या डिफरेंट है। A few moments later. So far so good. अभी मैं जस्ट एयरपोर्ट से बाहर निकला हूँ और अपने होटल की तरफ जा रहा हूँ, 2 मिनट में पहुंच जाऊंगा। अंदर थोड़ा सा कस्टम्स चेकिंग की क्यू थी, बिकॉज अभी के लिए सभी का जो है वो बैग स्कैन हो रहा था, तो इसलिए काफी लंबी क्यू हो गई थी। हाँ दोस्तों, जहां से शुरू किया था मतलब शुरू किया था जहां से वीडियो वगैरह बनाया था पिछले कुछ दिनों से, लौट के वापस से वापसी वही हो गई है। आगे देखते हैं कि दिल्ली का प्लान कैसा रहता है। मैं एक्चुअली 3-4 दिन के लिए हूँ यहाँ पे, कुछ कुछ अलग अलग काम कर रहे हैं और काफी सारे कमिटमेंट्स भी हैं, तो वो सब पूरे भी करने हैं। अभी टाइम जो है वो बहुत ज्यादा हो गया है, तो मैं विदा चाहूंगा आपसे। गर्ल्स को उठ के मिलता हूँ तब और बाकी बातें करता हूँ। अभी तक पता नहीं ब्लॉग कितना बन रहा है, मतलब कितने मिनट का बना है, बना भी है कि नहीं बना मुझे तो वो भी नहीं पता, बिकॉज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पता नहीं उसको पोस्ट करूंगा कि नहीं। बट एनीवेज अगर अभी तक देख रहे हो तो जल्दी से लाइक और शेयर कर दो। सुबह उठ के थोड़ा सा और बातें करते हैं, मेरे को थोड़ा शॉपिंग करनी है, बिकॉज मैं कपड़े जो है वो बिल्कुल नहीं लेके आया हूँ, और मुझे कल खरीदने पड़ेंगे लोकल कुछ कुछ,
तो तब बात करते हैं। प्रोग्राम में थोड़ा चेंज रहने भाई, थोड़ा सा चेंज हो गया है प्लान में। और चेंज का मतलब क्या है ना कि आज मैं थोड़ा सा लेट सो के उठा और काफी सारी चीजें जो मैंने सोचा था कि जो मैंने अलाइन करी हुई थी ना, वैसा दिन जा नहीं पाया, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। तो अभी के लिए टाइम जो है वो 12:37 रात के 12:37 हो चुके हैं। मतलब पूरा ऑलमोस्ट मेरे को 20 घंटे हो गए हैं इस कमरे में आए और मैं कमरे से बाहर नहीं निकला हूँ। मतलब सोचा बहुत कुछ था कि मैं दिन में जाऊँगा इधर उधर और कुछ चीज़ें जो है वो प्लान में थी, लेकिन वो हो नहीं पाया। अभी मैं इस वीडियो को यहीं पर खत्म करता हूँ आपके, लेकिन जो अगला वाला ब्लॉग आने वाला है वो बड़ा ही मतलब सॉलिड एकदम बड़ा ही शानदार आने वाला है, उसको बिल्कुल मिस मत करना। तो दोस्तों बस फिलहाल में इतना ही, देखने के लिए आपको धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोविड सारा सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक या शेयर नहीं किया है तो जल्दी से लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि जो अगला वाला वीडियो है उसको आप मिस ना करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।